तुम्हारा भाई बाप बाप किसी को नहीं छोड़ेंगे। बच्चों तो भागो यहाँ से। आज यहाँ पहुँचे आप देखिए, 7 साल मेरा शादी को हुआ है, 7 साल से मेरे ससुराल वाले हमको बहुत टॉर्चर कर रहे हैं दहेज के लिए ये वो। उसके बाद फिर हम एक बार केस भी किए, रिसेप्शन के दिन जो लोग मारपीट मेरे फैमिली वाले के साथ किए थे, उसके बाद सब वहाँ का जितने मेंबर थे सब सुलह करवा दिए। उसके बाद भी उन लोग का वही रवैया, मेरी सास ननद देवर सब गाली गलौज मार पीट, खाना पीना नहीं सही से देता था। उसके बाद फिर हम केस किए, केस करने के बाद वो लोग म्यूचुअल करा दिए, म्यूचुअल कराने के बाद फिर मेरे हस्बैंड हमको ले गए वहाँ रखने के लिए और ज़्यादा टॉर्चर करने लगे। रूम में बंद करके रखते थे, बाथरूम में बंद कर देते थे, ना खर्चा ना पानी। 7 साल से मेरा ना मेरे बच्चा का दिए, बच्चा का ऑपरेशन हुआ तो उसका खर्चा नहीं दिए, हैदराबाद लेके गए बच्चा को सब मेरा फैमिली वाला दिया। अब बोलते हैं कि इतना लेके आओगी तब मेरे घर में रहने देंगे ना। कितने दिनों के बाद आप किस तरह का आपके साथ होने लगा? जैसे मतलब शादी हुआ रिसेप्शन के दिन से। शादी कब हुआ? शादी को 7 साल हो गया, फिर आज आप थाने का चक्कर क्यों लगा रही हैं? क्योंकि अभी जानते हैं हम सोच रहे थे कि लोग सुधर जाएंगे, बच्चा हो गया, बच्चा के चलते हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे कि बच्चा के चलते कॉम्प्रोमाइज करेंगे, आज ना कल सुधरेंगे, लेकिन वो लोग कभी सुधरने वाले नहीं है। आपका ससुराल जानते हैं दूसरा शादी भी कर दूसरी लड़की को भी।